सफर के बारे में क्या बताऊँ सर? सफर तो बहुत अच्छा रहा, जैसा आप लोग जानते हैं सर, मेरा दो म्यूजिक एल्बम अच्छे से हिट हो रहा है, एक ब्रेकअप ट्रिप है जो ना नाचे सर, काफ़ी अच्छे तरीके से यूट्यूब पे और हर जगह छाया हुआ है। अभी लॉकडाउन हट जाए तो अपने वो म्यूजिक मेरा पूरा सर, ये पंजाबी सॉन्ग्स और पार्टी सॉन्ग है, तो अभी ये खुल जाएगा जब क्लब एंड ऑल, तो आप लोग और सुनने को आपको आएगा सर। तो ये जो एल्बम है इसमें आपने दो चेहरे, एक तो आपने बीसी फेम कलाकार को लिया है प्लस श्रेयस राय, दोनों तो दोनों के बारे में बताइए, क्या रहा आपका नजरिया इन दोनों को लेने का, मतलब क्या क्या है सेपरेट, क्या दोनों के पर्सनैलिटी में, दोनों के कैरेक्टर में? वो लोग बेस्ट है सर, एक तो दोनों, पहली बात दोनों सिंगर हैं, एक रैपर है और एक सिंगर है, दोनों की आवाज़ बहुत मेलोडियस और बहुत रैपिंग टाइप है, बहुत म्यूजिक एल्बम वाली टाइप है, बहुत अच्छी आवाज़ है लोग की, और वो लोग की जोड़ी बेस्ट है। इससे पहले लोग एक जोड़ी में गाना आया था सर भोलेनाथ करके, उनका 20 मिलियन व्यूज़ गया था उस गाने का, तो दोनों की जोड़ी में बेस्ट है, वो बेस्ट है सर साथ में। आप काफ़ी नए हैं इस इंडस्ट्री में, तो ये जानना चाहूँ कि आपको पता है कि यहाँ भी डोमिनेंस चलता है म्यूजिक इंडस्ट्री में, म्यूजिक कंपनीज का म्यूजिक वीडियोस तो आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि किसी नए बंदे को म्यूजिक इंडस्ट्री में आना इतना आसान होता है या फिर सक्सेस पाना इतना आसान होता है? नहीं नहीं, आसान नहीं होता सर, हर लाइन में कॉम्पिटिशन है, और ये लाइन में म्यूजिक एल्बम की लाइन में तो बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिशन है, चाहे हम लोग एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ले लें, आज एक से एक डायरेक्टर है जिनको काम नहीं मिल रहा है, एक से एक एक्टर जिनको काम नहीं मिल रहा है, बट मुश्किल है सर, सबको कॉम्पिटिशन बहुत आया है यहाँ पे, बट नसीब का सर, जिनको मिल गया सर मिल गया, बस वही है। आप क्लब देख रहे हैं, माहौल ऐसा है, मतलब नेपोटिज्म की बात होती है, नेपोटिज्म मतलब आप देखिए कि भाई भतीजावाद होता है कि आप रहेंगे इंडस्ट्री से तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं अच्छी तरीके से, आपका भी कोई शायद बैकग्राउंड नहीं है इस इंडस्ट्री में, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी कंगना ने भी काफ़ी खुल के बोला है, ये बोल दी है तो उनको सज़ा भी मिली है, बीएमसी ने उनके ऑफिस को और घर को मतलब तहस नहस किया, उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे? नेपोटिज्म जो चीज़ है आप कितना मानते हैं एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री में या टैलेंट एग्जिस्ट करता है? सर एक ही चीज़ बोलूंगा सर, बेखौफ होकर अपनी आवाज़ उठाया करो, औरत हो इसलिए डर मत जाया करो। आज ये चीज़, कल हम लोगों ने ये चीज़ देखी है, तो वो तो बहुत गलत हुआ है जो सरकार ने किया, बीएमसी ने किया है, मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा बीएमसी को, क्योंकि जब तक बीएमसी के पास ऊपर से ऑर्डर नहीं आते बीएमसी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, जो हुआ है कल एक्टर्स के साथ हो रहा है, और कोई एक्टर्स मैं देख रहा हूँ कोई खड़ा नहीं हो रहा है, एक ये हम लोग की एक फैमिली है सर, आज म्यूजिक एल्बम बॉलीवुड ये सब एक फैमिली है, तो काफ़ी स्टार्स जो हम लोग के आज पॉलिटिशियंस बन गए हैं, जो बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गए, जो बड़े एक्टर्स हैं, जिनको स्टैंड लेना चाहिए था उनके लिए, बट देख रहा हूँ सर कोई स्टैंड नहीं ले रहा है कुछ नहीं, आज उन्हीं ने सच बोला तो घर तोड़ दिया गया, तो ये तो सर कोई बात ही नहीं हुई सरकार की, जो गलत है सो गलत है सर, और ये सिर्फ बदला पूरी हुई है सर। नहीं तो मेरा ये कहना है कि मैं नेपोटिज्म के बारे में आपसे पूछा, तो ये बताइए कि नेपोटिज्म जो चीज़ है उसके वजह से आपको कामयाबी मिलती है कि आपके टैलेंट या आपके हार्डवर्क या आपके जो भी स्किल्स और हुनर है उसकी वजह से? हुनर और हार्डवर्क की वजह से मिलती है सर। आपने क्या रिलाइज किया आप जब से आए इंडस्ट्री में और म्यूजिक वीडियो पढ़ने के दौरान, क्या आपको क्या स्ट्रगल रहा, आपके पास कोई ऑब्स्टिकल था इस तरह से कि कोई रोक रहा है आपको कोई काम करने से या कोई डोमिनेट कर रहा है आपको? सर जब नए नए आया था, एक तो जल्दी म्यूजिक एल्बम मिल गई थी, फिर एक मिलने के बाद दूसरी में डिफिकल्टी हुई थी कि नहीं उड़ती, काफी और भी लोग लाइनअप में थे, बट यह था कि सर कॉन्टैक्ट थोड़ा अच्छा था, हर चीज अच्छी थी, काम मिल जाता है, एक तो सर मेन चीज कोई भी आप लाइन में जाएंगे आपको कॉन्टैक्ट तो सर चाहिए थोड़ा बहुत, और जो प्रोडक्शन हाउस में मैं हूँ वो मेरे खास दोस्त अच्छे दोस्त हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं सर नहीं हुई, अब शायद उस लेवल तक अगर आज आगे तक पहुँच जाऊँ तो शायद मुझे प्रॉब्लम फेसेस करने पड़े सर, अभी तो मैं बहुत इतना नहीं हुआ हूँ सर, बट ठीक ठाक हूँ सर। ये भी जानना चाहूँगा कि अभी देख रहे हैं कि हाल में सुशांत सिंह का भी केस काफ़ी हाइलाइट हो रहा है और काफ़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, इतने यंग एज में उनका इस तरह से मौत होना, रिया चक्रवर्ती जो है उनका इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है, ड्रग्स पेडलिंग, ये सब चीज़, ये निगेटिविटी को कैसे आप देखते हैं कि कहाँ तक ये चीज़ गलत है और कैसे इसे उभरा जाए या कैसे इसे बचा जाए जो लोग नए लोग आते हैं इंडस्ट्री में? सर क्या बोले, सुशांत का तो सर अभी तक कुछ क्लेरिफाई है नहीं सर, हम लोग का ये मर्डर केस से शुरू हुआ था और रिया को आज ड्रग केस में कर दिया गया, तो जो मर्डर केस की हिस्ट्री थी वो तो सॉल्व हुई, क्या हुई है तो आज पता ही नहीं चलती है सर, कि मेन तो ड्रग्स आ गया बीच में सर, और जो नए लोग आएंगे सर उनसे तो मैं बोलूंगा पहली चीज़ आप ड्रग्स और ये सब सो दूरी रही है सर ड्रग वग से, तो जिस दिन ड्रग्स की लत लग गई तो ना सर आपके पास काम है ना कुछ है सर, तो बेटर तो ये रहेगा सर आप काम करना है वो काम करो, और जो भी आज एक्टर्स बनने आते हैं वो दूसरे शहरों से आते हैं, कोई बॉम्बे से नहीं होता सर, बाहर से ही आते हैं, उनकी फैमिली उम्मीद से भेजती है, तो ड्रग्स से और सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहना चाहिए जो नए आज कलाकार आ रहे हैं मुंबई। और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी दी है तो ज़्यादातर जो यंग एज में होता है एक एक्टर बनने का सपना होता है, ज़्यादातर डायरेक्टर बनने का, ज़्यादातर लोग तो एक्टर ही बनना चाहते हैं, आप प्रोड्यूसर बने इसके पीछे कोई खास वजह? सर अभी प्रोड्यूसर का चांस था, प्रोड्यूसर बन गया सर, अगर आगे मौका मिलता है, अगर अच्छा एल्बम मिलता है कुछ रहता है लाइफ में, बट मैंने कभी इतना सोचा नहीं है, अगर कुछ भी अच्छा रहा सर तो इंशाल्लाह मैं अपने आप को विकास करूंगा सर, आऊंगा इंशाल्लाह।
आगे क्या विजन है आपका? सबसे बड़ी बात है कि एक मकसद लेके आदमी आता है, शुरुआत जब करता है तो एक बड़ा मकसद लेके आता है, एक सपना होता है कि हम, मेरा ये सपना है, इस सपने को मैं पूरा करना है, एक लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट करना है खुद को लेकर, अपनी कंपनी को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या आप चाहते हैं। सर मैंने पहले बोला है सपना, ये तो मेरा सब कुछ सपना ही है सर, ठीक है, आज मेरा छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो सर वो सपना ही है, बट एक ये है कि आगे चल के एक बड़ा म्यूजिक एल्बम करना है, एक अच्छा कास्ट लेना है, कोई बड़ा अच्छे एक्टर्स एक्टर्स लेके एक काम करना है म्यूजिक एल्बम पे। आज तक हम लोगों ने लाइक दीपिका रणवीर को भी एक म्यूजिक एल्बम में नहीं देखा सर, ठीक है। आज मैं चाहता हूँ आगे चल के अगर सक्सेस हो गया, कुछ कुछ हो गया अच्छा, तो वो लोग को लेके मैं म्यूजिक एल्बम अच्छा कुछ बना बढ़ाना चाहता हूँ सर, वो मेरा सपना हो सकता है। म्यूजिक वीडियो के अलावा वेब सीरीज भी बनाना चाह रहे हैं जैसा कि जानकारी है, तो उसके बारे में बताइए। आपने पहले भी कहा कि मैं उसमें नगनता को नहीं प्रोत्साहन दूंगा, उसके बारे में बताइए कितना आसान होगा अगर आप नहीं देते हैं तो एक वेब सीरीज को बनाना या उसको चलाना, लोगों को दिखाना? मेरे हिसाब से सर आसान होगा अगर न्यूडिटी नहीं होती है सर, क्योंकि वो पूरी फैमिली हो गई सर, फैमिली वेब सीरीज हो गई, क्या बच्चा बुढ़ा अंकल सब लोग एक साथ बैठ के देख सकते हैं, माता पिता सब लोग, और जब न्यूडिटी आ गई तो सर वो अकेले ही देखना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो सर ये आसान है, कॉमेडी प्लस लव स्टोरी की मुझे वेब सीरीज बनानी है, जो मेरी प्लानिंग में है सर। तो ये जो आप वेब सीरीज का प्लानिंग कर रहे हैं, कब तक अपना ये सपना साकार करेंगे और किस तरह के लोगों को कास्ट करने वाले हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री से, रीजनल इंडस्ट्री से, क्या आपका कुछ तो टारगेट होगा इसमें? न्यू फेज रहेंगे और काफी प्लानिंग हो चुकी है, तो दिसंबर तक की आपको इसका मैं क्लेम आउट पूरा दे दूंगा, कैसे क्या होने वाला है आपको दिसंबर तक पता चल जाएगा इसके बारे में पूरा। इसके बारे में जो भी और कोई शौक रखते हैं या कुछ ऐसा पैशन या हॉबी है उसके बारे में अगर बताना चाहें तो बताइए। हॉबीज में सर जिम है मेरा एक और एक स्विमिंग, अच्छा ये मेरी हॉबी है, जब फ्री टाइम रहता है शाम में यही टाइम रहता है, एक फ्रेंड टाइम रहता है दोस्तों से रह के एक दो घंटा तीन घंटा बैठ के आपस की बात करना, ये अच्छा है। तो क्रिएटिव फील्ड की बात अगर करें तो और क्या क्रिएटिव फील्ड में अपना पहचान बनाना चाह रहे हैं, किस तरह से क्रिएटिव फील्ड में आप अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं? सर अभी तो मेन तो फोकस एक ही चीज पे है और बाकी मेरी दूसरी लाइन है, आप लोगों को पता है डेकोरेशन भी चल रही है, शादी का डेकोरेशन, मैरिज डेकोरेशन की, तो पार्ट टाइम मेरा वहाँ पे भी मेरा होता है, पार्ट टाइम यहाँ पे भी होता है, तो अभी कोई ऐसी नई चीज नहीं करना चाहिए, दो चीज एक साथ लेके चल ही रहा हूँ सर, दो कश्तियों में सवार हूँ, अब आगे एक और कश्ती सर लाना नहीं चाहता हूँ बीच में। लास्टली ये बताइए कि अगर किसी को इस क्षेत्र में आना है, आपकी तरह निर्माता बनना है यंग एज में, तो क्या जरूरत होती है लोगों को, कोई ट्रेनिंग होती है या आपको काम करना पड़ता है किसी के अंडर में, किस तरह से आप एक सफल निर्माता बन सकते हैं? ट्रेनिंग तो सर नहीं बोलूंगा, ट्रेनिंग कुछ होती है, ये होता है अगर आपको आपके पाथ में अच्छे लोग मिल गए तो आपको अच्छी राह दिखाने वाले मिल जाते हैं। अलहमदुल्ला मेरे पास लोग बहुत अच्छे अच्छे थे जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शनों से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर्स एक्टर्स हैं, तो उनसे काफी कुछ मुझे सीखने मिल गया, कैसे लाइन में रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं, और सर चांस मिल गया अच्छा, तो मैं आज आप लोगों के सामने हूँ जो हूँ।